पंडवानी जो कृष्ण कथा है या महाभारत गाथा है ओकर शुरुआत राम से होते। अब राम के अहमियत हमर लोग जीवन में कत का है ये देख लो। पंडवानी जैसे सबसे बड़े हमर प्रदर्शनकारी लोक कला है ओकर शुरुआत हम रामे रामे से करत हन। यानी राम के अहमियत हमर लोग जीवन में औ दूसर देव से औ दूसर आराध्य से भी ज्यादा है। तेकर सेती हम कृष्ण कथा के शुरुआत भी हम रामे रामे मोर भाई रामे रामे मोर भैया से शुरुआत करत हन। नमस्कार, मैं संजीव। आज हम चर्चा करबोन छत्तीसगढ़ में राम के ऊपर, यानी अपन मामा गांव में भांचा राम के ऊपर। छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में राम रोम रोम में बसे है। मनखे जब उठते तो राम के नाम ले उठते और दिन भर कुछ न कुछ काम से राम के सुरता करत रहते और सुते के टाइम राम के नाम लेके वह सुते। ओकर जीवन में भी राम के बड़ा महत्व है। जब वो लड़का पैदा होते रामला दुहाई दे लड़का के बधाई लेते देते और मनुष्य के जीवन के जौन अंत है वो होते तो अंतिम क्रिया के टाइम राम नाम सत्य है कहत हुए ले जाए जाते। छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा भारत में राम नाम सत्य के उद्घोष होत अंतिम क्रियावर मनुष्य ले जाए जाते। पर छत्तीसगढ़ मा काबर की छत्तीसगढ़ हा श्री राम के ननिहाले, श्री राम जी हा हमर भांचा है, तेकर सेती हमर जुड़ाव ओकर ले और दूसर प्रदेश ले ज्यादा है। हमन अपन अभिवादन में तको राम राम कहथन। जैसे कोई संगी मिलिस त राम राम संगी कहथन। महिला मन हा अपन मितानिन मन मेर मिलते त सीताराम मितानिन कहथे। तो अभिवादन में राम के उल्लेख हम बार बार करथन। ऐसने है हम जब गिनती गिनथन हमर गिनती के आवश्यकता कृषि आधारित हमर जीवन शैली है तो गिनती के आवश्यकता हमला जब धान हा मिंज के मिंजा के कोठार में तैयार होते और हमर धन काबर की अन्न ही हमर धन है धान के कटोरा हमला कहे जाते तो धान ला हम जब नापेल शुरुआत करथन तब पहली काठा जब नापथन त ओला एक न कही के हम राम कहथन। यानी आप समझाओ हमर लोक जीवन में एक यानी अंक के आरंभ के जो शब्द है तौन राम से है। यानी मूलाधार हमर राम है। राम पहली काठा ला हम राम कहथन। तेकर बाद फिर खंडी और बाढ़े सरा वाले स्थिति निर्मित होते तो हमर गिनती के शुरुआत घलाव राम ले होते। हमर मूल के आधार गिनती के संख्या के आधार राम ले शुरुआत होते। अब हमर जीवन के विभिन्न सोपान में हमर संस्कार में जो राम व्याप्त है छत्तीसगढ़ में तेकर बारे में मैं चर्चा करना चाहूं। छत्तीसगढ़ में राम के बारे में बहुत अकन हमर विद्वान लेखक मन है लिखे हैं। जो उनमें डॉक्टर पीसी लाल यादव जी है तो एक ठन किताब अकेला एक किताब लिख डले है और बहुत जिन मन है आलेख लिखे हैं। यदा कदा उनकर तीर मुलाकात करत रहू तो हमर छत्तीसगढ़ में जो उन राम ला जो उन लोक जीवन में व्याप्त है ओकर बारे में मन है समय समय पे बताते या उनकर आलेख हमला पढ़े ला मिल जाते। पीसी लाल यादव जी के जो उन किताब है तो उनमें संपूर्ण आलेख समाहित है। समझाओ छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में उनकर व्यवहार में उनकर परंपरा में उनकर गीत में राम के उपयोग कैसे होते। राम ला हम कै पैतले सुमर्थन राम हमार जीवन में हमार चिंतन में कैसे आते तो उन बात ला बहुत फलियार के उमन बताए हैं। मैं आज कोशिश कर रहा था आपो मन ला संक्षिप्त ये वीडियो में हमर लोक जीवन में राम व्याप्त है तो उन ला बताए के। पहली मैं आप ला बताऊं कि हमर छत्तीसगढ़ में बिहाव जब होते तब बिहाव में गीत गाए जाते।
तब भड़ौनी गीत ला छोड़ के और दूसर जोन गीत गाए जाते तेल चढ़ते ता के समधी पनवार में बैठे है ता या मड़वा में जोन गीत गाए जाते तो उन सब गीत हा मुख्यतया सीताराम के विवाह से संबंधित गीत होते। ओमा जतका महिला मन हा गाते तो उनमें जोन वर रही थे वो वर राम जी के प्रतीकात्मक रूप से ओमन हा वो गाना में आते और सीता हा प्रतीकात्मक रूप से वधू के रूप में आते। जब महिला के घर में विवाह होते वधू के घर में विवाह होते तो वहां के महिला मन है जोन गीत गाते हैं तो कर मुख्य पात्र सीता रही थे और जब पुरुष के घर में या वर के घर में लड़का के घर में विवाह होते और वहां जोन वैवाहिक संस्कार के गीत छत्तीसगढ़ी में गाए जाते वो माँ जोन मुख्य पात्र है वो राम रही थे। बड़ा दशरथ के नाम के उल्लेख आते कौशल्या के नाम के उल्लेख आते अभी तो वो गीत मन मोर जहन में नहीं है मौका में कभी मोर ये यूट्यूब चैनल में एक गीत छत्तीसगढ़ी विवाह गीत है पनवार गारी आप सुन सका था वो मैं कोशिश करूं कि छत्तीसगढ़ी जोन वैवाहिक गीत है भड़ौनी तो आप मन हा वीडियो में छत्तीसगढ़ के संगीत सीडी मन में बहुत सुनत हो पर जो पारंपरिक गीत है जो लिखे नहीं गए है हमार परंपरा से वाचिक रूप से चले आते है तो उन गीत मल्ला कभू मैं प्रस्तुत करे के कोशिश करू। ऐसने है हमार जो मुख्य गीत है छत्तीसगढ़ के मुख्य गीत है ददरिया। ददरिया में राम के और सीता के या राम चरित्र के उल्लेख बार बार आते आप मल्ला याद हो ही एक प्रसिद्ध गीत रहे है जो ला पूरा भारत देश में एक फिल्म में लिए गीत जब तब बहुत चर्चित हुई वो गीत आप मल्ला सुरता ही जो ददरिया है और वह राम पे आधारित है। हाँ चोला माटी के हे राम एकर का भरोसा चोला माटी के हे राम तो यहू में राम के उपयोग होए है कि ये चोला माटी की है। ये प्रसिद्ध गीत है वैश्विक रूप से हिंदी सिनेमा में लिए गीत और वैश्विक रूप से यह पूरा देश विदेश में फैली हमारे देश के हमार प्रदेश के जो ये गीत है कि चोला माटी के हे राम यही सिद्ध करते कि हमार प्रदेश में हमार छत्तीसगढ़ में राम के कतका अहमियत है। और एक प्रसिद्ध गीत जोनला हबीब तनवीर के नया थिएटर से बहुत प्रसिद्धि मिली सब लोग के जन जन में ये गीत गाए जाते ये लोक वाचिक परंपरा के गीत है दोनों आपला याद हो ही और बहुत सारा ददरिया के साथ ये दो के उल्लेख में विशेष रूप से ये वीडियो में करना चाहता हूँ कार की आप कहीं ये दो ददरिया गीत ला ही सुरता रखू तो आप अपन प्रदेश के जो अस्मिता है वो अपन आत्मसम्मान है ओला लोगन मल्ला बता सकत हो ये दो गीत के उल्लेख से। दूसर गीत है तोला साधु जाने रे भाई तोला जोगी जाने रे भाई लंकापति रावण तोला जोगी जाने रे भाई नया थिएटर के चोंगा सीडी तवा ये रिलीज हुए रही से और ये गीत छत्तीसगढ़ी में बहुत चली सब चलत भी है आज तक सुने जाते कि तोला साधु जाने रे भाई तोला जोगी जाने रे भाई लंकापति रावण तोला जोगी जाने रे भाई तो लोक में लंकापति रावण के उल्लेख आवत है यानी यह रामचरित के उल्लेख है लोक मन में के जन जन में जो उन राम के चरित्र है राम के जो उन कहानी है तो उन बसे हुए है तेकरे से वो मन हा रावण के उल्लेख करत है कि तय जोगी रूप में सीता के हरण करेला आए हस के वो गीत। अब चूंकि ददरिया के जो उन आप ददरिया के गुण ला जानता हो कि ददरिया में दो पद गाए जाते और दुधी पद करते हुए चार पांच पद गाए जाते जो पांच छह अगर पद गाए जाते तो पांचों छह पद हा एक दूसर से कोई मिलाप नहीं रखा है यानी वो कुछ हो गाए जाए ही प्रश्नोत्तर शैली में यदि गाए जाते तो प्रश्न कुछ हो पूछे जाते उत्तर दिएगी इसके बाद फिर दूसर कड़ी जो उठाते तो उन्हें कुछ और हो सकते विषय होकर कोई और हो सका थे तो इसने तोला जोगी जाने रे भाई तोला साधु जाने रे भाई में भी शुरुआत ददरिया के रामचरित मानस के
शुरुआत ददरिया के जोन होए हे तो उनहा रामचरित से होए हे, राम के कहानी से होए हे, और ओकर बाद फिर वो ददरिया में अलग अलग पद गाए गए हे। अब हमर प्रदेश के बहुत प्रसिद्ध जोन प्रदर्शनकारी लोक कला है वो है पंडवानी। वैश्विक रूप से पंडवानी के प्रसिद्धि है। अब पंडवानी के शुरुआत देखो, पंडवानी का है पांडव गाथा है पंडवानी। हाँ, पांडव गाथा होए के बाद भी पंडवानी के शुरुआत कैसे होते आप इमेजिन करो, कल्पना करो पंडवानी के शुरुआत कैसे होते। मोर रामे रामे भैया मोर रामे रामे गा, यानी पंडवानी जो कृष्ण कथा है या महाभारत गाथा है ओकर शुरुआत राम से होते। अब राम के अहमियत हमर लोक जीवन में कतका है ये देख लो। पंडवानी जैसे सबसे बड़े हमर प्रदर्शनकारी लोक कला है ओकर शुरुआत हम रामे रामे से करत हन, यानी राम के अहमियत हमर लोक जीवन में और दूसर देव से और दूसर आराध्य से भी ज्यादा है। तेकर सेती हम कृष्ण कथा के शुरुआत भी हम रामे रामे मोर भाई रामे रामे मोर भैया से शुरुआत करत हन। छत्तीसगढ़ी संस्कृति में लोक गीत में जस गीत के घलो एक प्रमुख स्थान है। जस गीत चूंकि यशगान है देवी का, तो ये छत्तीसगढ़ी जस गीत यानी देवी के यशगान में राम के भी यशगान हुआ थे। राम कैसे हमार लोक में है एला कहीं अध्ययन करना है तो छत्तीसगढ़ी जो जस गीत है एकरो अध्ययन करो। ये छत्तीसगढ़ी यश गीत जो परमानंद पुरबिया जी लिखे हैं या कोई दूसर मन लिखे हैं, तेकर लिखे गीत से आप राम के लोक में व्याप्त रामला नहीं खोज सको। जो पारंपरिक गीत है तुम जस गीत ला यदि आप सुनहु ओकर अध्ययन करहु तब आपला लोक जीवन के राम हा मिल सकत है। एक प्रसिद्ध गीत के उल्लेख मैं करना चाहूं जो उन पारंपरिक जस गीत है। जस गीत में आते कि हम सब बहुत सारा देवता मल्ला जिमारा हम बोए हैं तो नेवते हूं, नेवता नेवते के अलग अलग गांव में अलग अलग तरीका से देवता ला नेवते के जस गीत गाए जाते। उमा एक उल्लेख आते कि जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते, जब लंका में प्रवेश करते तो वहां जो उन लंका के प्रवेश द्वार में रक्षिका है वो रक्षिका है वोला चिंडर थे। वो चूंकि बहुत लघु वो सूक्ष्म रूप धर के हनुमान जी लंका में प्रवेश करते थे। ये रामचरित में आते बोला छत्तीसगढ़ के लोग हा अलग रूप देते हुए ये लोक गीत में कही थे। और ओमा वो जो रक्षिका है वो रक्षिका हा बराइन हो जाते। छत्तीसगढ़ में तंबोली मल्ला जो पान के धंधा करते तो मल्ला बराइन कहे जाते, तो वो रक्षिका बराइन है, वो बराइन हनुमान जी ला पहचान जाते। लोक गीत में उल्लेख आते, थोड़ा सा राग तो मैं नहीं गा पाऊं फिर भी मैं आपला थोड़ा सा सुनाना वाला चाहूं। तोर गढ़ लंका में आयो बराइन तय कहाँ रहे लुकाई, तय कहाँ रहे लुकाई गदेव मोर तय कहाँ रहे लुकाई। तो बराइन कहती है मोर गढ़ लंका में आए रे बेंदरा मैं रहे कंच कुमारी, मोर गढ़ लंका में आए रे बेंदरा मैं रहे कंच कुमारी। अब ये छत्तीसगढ़ी के लोक गीत जस गीत में पद चलता है, सारे सब पद ला तो मैं नहीं बता पाऊं मगर जो क्लाइमेक्स से होकर चर्चा करना चाहूं तो हनुमान जी ला बराइन जब बेंद्रा बेंद्रा शब्द के इस्तेमाल करते तो हनुमान जी गुस्सा जाते। और हनुमान जी की थे बेंद्रा बेंद्रा झनक बराइन मैं हनुमंता बीरा, अरे बेंदरा बेंदरा झनक बराइन मैं हनुमंता बीरा, अरे सरिस सोन के तोर गढ़ लंका कलशाला टोरी फोरिहा, मुंद में डुबावा कलशाला टोरी फोरिहा।
सामुंद में डुबो काला साला टोरी फोरी। हाँ तो हनुमान जी कही थे कि मोला बेंद्रा बेंद्रा मत कहते हैं बराइन, और तोर सोन के जो लंका है तो उनला टोर फोर के 2 सेकंड में समुद्र में मैं डुबा सकता हूँ। तो रामचरित मानस के जो लंका में हनुमान जी गे रही से जलाए रही से तो उन रूप हा थोड़ा सा अपन आनंद के हिसाब से लोक हा जो चेंजेस करते बदलाव लाते वो बदलाव लाते हुए ये गीत में ले गए है। इसने एक ठन और गीत है पचकड़िया या पंचलड़िया की थे मोला गायल नहीं आए फिर भी मैं कोशिश कर रहा था। मोर यहो पूत बंगलिया पुर पाटन के है चोलिया मोर राम गौर के लहंगा बिजली अस चमके डड़िया मोर घूंघरू सा बद में बरुअल नींद आवे ना नींद आवे हो दुलरुल नींद आवे ना घूंघरू सा बद में बरुअल नींद आवे ना तो का कर हावे यारी बारी अहो नरेनी का कर है फुलवारी उमाय का कर हावे यारी बारी अहो नरेनी का कर है फुलवारी का कर हावे हरिन मृगवा चर गए सकलो बारी मोर यहो पूत बंगलिया पुर पाटन के हैं चोलिया मोर राम गौर के लहंगा बिजली अस चमके डड़िया मोर घूंघरू सा बद में बरुअल नींद आवे ना नींद आवे हो दुलरुल नींद आवे ना घूंघरू सा बद में बरुअल नींद आवे ना। अब ये प्रश्नोत्तर शैली में ये जस गीत है तो प्रश्न के उत्तर अब दिए जाते। राम जी के हावे आरी बारी अहो नरेनी लक्ष्मण के फुलवारी हुमाय राम जी के हावे आरी बारी अहो नरेनी लक्ष्मण के फुलवारी सीता जी के हावे हरिन मिरगवा चर गए सकरो बारी मोर यहो पूत बंगलिया पुर पाटन के हैं चोलिया मोर राम गौर के लहंगा। तो देखो राम जी के आरी बारी और लक्ष्मण के फुलवारी है और सीता जी के हरिन मिरगवा है, यानी आप उत्श्रृंखलता देखो सीता जी के उत्श्रृंखलता है। राम जी और लक्ष्मण जी मन हा बड़ा सिंसियर होके फुलवारी और आरी बारी लगाए है तो सीता जी के हिरण हा वो आरी बारी ला चर देते। तो ये उल्लेख है और बहुत सारा जस गीत तो पूरा राम और लक्ष्मण के शौर्य गाथा से भरे पड़े है। कुछ लोगन मन हा कहते हैं कि फाग गीत में भी राम के उल्लेख है, तब परंपरा के अनुसार से फाग गीत में एक आध दो चार ठन में उल्लेख हुए ही, मगर फाग गीत में राम के उल्लेख के ज्यादा छत्तीसगढ़ लोक में कृष्ण के उल्लेख है। पूरा देश में जहां सनातन परंपरा है वहां फाग गीत या होली के जो उन गीत है तो उनमें कृष्ण के मूल पात्र के रूप में गीत गाए जाते या फिर शंकर के भस्मी भभूत वाले होली खेले के गीत गाए जाते। छत्तीसगढ़ में भी ये परंपरा है। राम जीला चूंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम मानथन तेकर सेती हम होली में ओकर बहुत बिरला उल्लेख मिल जही, अपवाद स्वरूप कोई गीत हो ही ता भले हो ही पर होली में कम है। डंडा गीत में हम राम के उल्लेख जरूर करथन, ऊ हु करके जब डंडा गीत चलते तो डंडा के जो कड़ी वाले गीत गाए जाते तो उनमें राम के उल्लेख आते। जमारा गीत में राम के उल्लेख आते। भोजली में राम भोजली में तो मुख्य पात्र सीता ही रही थे। भोजली के जो उन गीत है छत्तीसगढ़ी में ओमा सीता मुख्य पात्र रही थे और सीता हा अपन मैके गए है ता भोजली लगा है इसे उल्लेख भी आते है और सीता जी हा राम जी यानी अयोध्या में भोजली बोए हैं ये बात के भी उल्लेख आते।
और सबले ज्यादा राम के उल्लेख जोन लोक में हमार शौर्यशाली जाति है यादव जाति ओ मन हा उल्लेख करते हैं। उमन हा जब राउत नाच प्रस्तुत करते हैं तो ओमा जोन दोहा गाते हैं तो उन दोहा में अधिकतर रामचरित मानस के दोहा रही थे या तो लोक परंपरा में जोन राम और सीता या राम के जोन चरित्र है राम के जोन कथा है आराध्य राम है उनकर तेकर बारे में उमन है जोन पारंपरिक रूप से दोहा बनाए हैं तो उन दोहा मल्ला पढ़ते उमन है। कुछ एक दोहा के मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूं। चीला फरा सोहारी भैया अजब बने तरकारी रे राम लखन जेवन करे परुसय जनक दुलारी रे। ये एक दोहा अक्सर सुनेला मिलते। सुघर सुघर पान टोर के सुघर सेज बिछाई रे राम लखन आराम करत है हनुमत करे सेवकाई रे। गीत दोहा पार्थे यहाँ के भाई मन हा। भानुमंत के बेटी भैया रामचंद महतारी रे छत्तीसगढ़ के राज दुलारी तेकर ए फुलवारी रे। हाउ आजकल राउत दोहा में विभिन्न प्रकार के प्रयोग भी होते और ये प्रयोग के रूप में एक दोहा के उल्लेख आते जो उनला बताता हूँ। एक मजा लेबर कुछ कुछ युवा राउत दोहा परिया मनहा जो उन दोहा पार्थे तेकर उल्लेख मैं यहाँ करना चाहता हूँ। राम धरे धनुष भैया लखन धरे तलवार रे सबके बाई लुगरा पहने मोर बाई सलवार रे। अब ये लोक परंपरा और लोक गीत के अतिरिक्त जो उन भाषा के औ दो तीन मूलाधार है दोनों में राम कैसे व्याप्त है ये बात ला मैं आप ला बताना चाहूं। कोई भी भाषा के मूलाधार है ओकर कहावत लोकोक्ति और जनौला तो ये तीनों में राम हमार छत्तीसगढ़ में व्याप्त है तेकर बारे में मैं आप ला बताना चाहता हूं कुछ उदाहरण देते हुए। आप मन सुनो ये पूरे देश में व्याप्त है हमरो यहाँ व्याप्त है। चार बेटा राम के कौड़ी के ना काम के यानी राम के चार बेटा रही से तो उनला उदाहरण देते हुए कहीस कि कोई काम नहीं करते दाई दादा के सेवा नहीं करते या बेहतर कार्य नहीं करते तेकर स्थिति चार बेटा राम के कौड़ी के ना काम के तो ये राम के उल्लेख हमर लोकोक्ति कहावत में आते। वैसने एक और लोकोक्ति के उपयोग होते राम रामायण तह कुकुर कटायन एकर उल्लेख बार बार होते। जहां कोई अच्छा कार्य हुआ थे वहां कोई विघ्न बाधा यदि आगे तो सियान मल्ला देखबे फट लिखित थे राम रामायण तह कुकुर कटायन। एक प्रमुख लोकोक्ति के उल्लेख सियान मन हा बार बार की थे खासकर जब अंतिम समय आते था या फिर लड़ेला जब उमड़ गए है छत्तीसगढ़िया तब एक बात जरूर की थे कि राखी राम त लेजही कौन और लेजही राम त राखी कौन यानी राम यदि रक्षा कर रहिया है तो ककरो हिम्मत नहीं है कि तोला मार सके और यदि राम हां लिख दे है तोर मृत्यु होना है तो कोई नहीं बचा सके दुनिया के। ये बात छत्तीसगढ़ी के लोक परंपरा में कहावत में आते। एक और लोकोक्ति के उल्लेख वर्मा जी छत्तीसगढ़ एनसीईआरटी में जो है तो उन मन अपन कोई आलेख में कर रही है तो उन मुला अच्छा लगी तो मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। उमन वर्तमान परिस्थिति पे ये कहावत ला जोड़े है मतलब ये कहावत हा अभी अभी पैदा हुए है इसे लग नजर आते काबर की पूरा छत्तीसगढ़ में बाहर जाके काम करे के स्थिति वर्तमान काल में ही आए है। पहली छत्तीसगढ़िया मन अपन गांव में ही रही के काम करत रहिन है बाहर जाए के परंपरा अभी कुछ एक साल पहले ही चालू हुए है और यही बाहर जाए के जो परंपरा है तेकर ऊपर व्यंग कसते हुए ये कहावत हर है। राम गीस राजिम श्याम गीस
मथुरा ढोली ठाबा उन्ना परगे बासत हवा कुकरा। यानी एक व्यक्ति के कहीं दो बेटा है, वो हा राजिम और मथुरा चल दिस, घर में ढोबी ढोली ढाबा कतको भरे है, वो खाली हो जाना है और वहां कुकरा बास करना है। कुकरा बास करे के बासत यानी कुकरा को मुर्गा के बाग दे वाले ला छत्तीसगढ़ी में कुकरा बासना कहे जाते। यानी खाली पड़े है तो कुकरा हा वहां बासत है यानी बाग देवत है, ऐसा उल्लेख आते है। तो ऐसने है लोकोक्ति कहावत और बहुत सारा है, मैं ये दो तीन ठीन के प्रतीकात्मक उदाहरण ये जगह देना दे रहे हूं। एक बढ़िया जनौला के प्रयोग मैं यहां कर रहा था, आपे मल्ला पूछा था और बोलत ले आप एला सोचू ये जनौला के उत्तर दे के कोशिश करू। ये जनौला के उत्तर मैं कमेंट्स में ही दू, आप मन कमेंट्स कराओ और वो कमेंट्स में ये जनौला के मैं उत्तर दू। जनौला है पलंग सुपेती बीरो पान, राजा रानी के बाढ़े शान, दू सुतैया बाईस कान, मोर जनौला जाने जान। तो ये प्रकार से और बहुत सारा है, वीडियो काफी लंबा हो गए है। तभो ले अब मैं आप मन अगर कहीं अभी तक के मोर बकबक ला सुना था, अभी तक के आप लगातार ये वीडियो में बने हो, तो आप मन से अनुरोध है कि मैं उदीम कर हूं कि प्रत्येक रविवार को इसने छत्तीसगढ़ के लोक जीवन से जुड़े हुए पहलुओं के बारे में आपके सामने इसने वीडियो बनाओ और आपके सामने लाओ। तो आप मन से अनुरोध है कि मोर ये चैनल ला सब्सक्राइब कराओ और आप एमा का सुनना चाहत हो, का देखना चाहत हो, एकर बारे में कमेंट्स कराओ और लाइक करके जौन संगवारी मन है छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य कला और अस्मिता के साथ जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनला मोर चैनल से जुड़ाओ, उनला शेयर कराओ और सब्सक्राइब कराओ। अब ये वीडियो ला समाप्त करते हुए भी मैं राम के उल्लेख करूं, कार की छत्तीसगढ़ जनजीवन में अंतिम विदा करत समय, अर्थी के विदा करत समय तो राम नाम सत्य है कहे ही जाते, पर अंतिम विदा यानी एक सीमित अंतराल के बाद भी यदि कोई विदा लेना चाहते व्यक्ति है ओकर बाद पुनः मिलना चाहते तो जाए के पहली वो है राम रमुआ ले लेके थे, राम रमुआ ले ले जाए के बेरा। तो आपो मन से मैं राम रमुआ लेता हूं, फिर मिलबोन अगले हफ्ते कोई नया विषय कोई नया वीडियो में। तब तक के लिए आप मन से फिर गिलौली है कि मोर ये चैनल ला सब्सक्राइब कराओ, लाइक कराओ और आप मन का देखना चाहत हो उकर बारे में कमेंट्स करो। धन्यवाद, जय जुहार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।